Good morning, students. Let us start our next topic, electric field intensity due to point charge. In our last lecture, we discussed about electric field and electric field intensity, where we discussed that electric field intensity, which is a vector quantity, is equal to force on test charge by magnitude of test charge. पॉजिटिव ही होता है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो टेस्ट चार्ज, ठीक है. जिसको मैंने लास्ट में लिखा था E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो बिकॉज क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल चार्ज. टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल लेते हैं. क्यों लेते हैं? ताकि वो सोर्स चार्ज की लोकेशन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सपोज करो आपके पास एग्जाम में एक्सप्रेशन आ जाता है ड्राइव करना कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो. तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सपोज करो ये है हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है. यहां पर टेस्ट चार्ज है एट पॉइंट पी. दिस वन इज ऑफ एट पॉइंट पी देयर इज अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस आर. Here we have to calculate electric field intensity where at point P. This one is positive charge and test charge is also positive, positive, positive. That means like charges both are repel each other, or you can say test charge is a small charge. So source charge repels test charge. So kis direction mein force lagega? Away from the source charge. And the direction of electric field intensity is also same as that the direction of force. Electric field intensity की वही direction होगी जिस direction में force act करेगा. तो by Coulomb's law force क्या होगा? F is equal to vector quantity लगाया मैंने यहाँ पे K Q Q naught by R square. दिस वन इज मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साथ में क्या मेंशन करेंगे? यूनिट वेक्टर, क्लियर है. तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहा मैंने, क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज. फोर्स कितना एक्ट किया? के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेयर, आर यूनिट वेक्टर बाय टेस्ट चार्ज. कितना है हमारे पास? क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई हमारे पास? के क्यू बाय आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. इन दिस इक्वेशन, in the equation of electric field intensity, there is no term of test charge. Q not hai? Nahi hai. That means electric field intensity does not depend on the sign and magnitude of test charge. Iski magnitude aur sign ke upar depend nahi karega. Kyunki test charge humne positive lena hai, theek hai, aur small hi lenge. Maine kaha tha agar large loge to kya karega wo? Source charge ki location ko disturb kar dega. तो इसलिए आप ये भी कह सकते हो मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम सोर्स चार्ज. यानी कौन सी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज से आपको किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, क्लियर है. अब अगर आर हो जाता है हमारे पास जीरो. अच्छा, इसको करने से पहले हम एक चीज और करेंगे. यहां पर सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज हमने ओ पॉइंट पे रखा हुआ है,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर स्पेस में, तो क्या ओ पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा? नो. तो आप ये नहीं कहोगे कि ओ पे है तो मैम आर जीरो हो गया, आर जीरो हो गया तो ई क्या हो गया, इनफाइनाइट. नो, एट आर इज इक्वल टू जीरो ई बिकम्स अनडिफाइंड. क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, यहां पे नहीं होगा. ठीक है, और यहां से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर आप ग्राफ ड्रो करते हो, सपोज करो 1/r² के रिस्पेक्ट में करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तब तो आपके पास क्या आएगी, लीनियर ग्राफ कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास. ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा ऐसे. क्लियर? तो हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है पॉइंट चार्ज की वजह से. तो क्या किया हमने यहाँ पे, क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने एक सोर्स चार्ज लिया, फिर टेस्ट चार्ज लिया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. हमें देखा कि दोनों चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, सेम नेचर है, तो इसलिए सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट करेगी. देन बाय कूलम्स लॉ आपने फोर्स कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. वी ऑलरेडी नो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज. तो हमने पुट किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर. दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस वन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और आप यहां से भी कह सकते हो जब हमारे पास फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो फिर यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप 1/r² के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन. बट वेन यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन दिस वन ये ग्राफ आएगा आपके पास. ठीक है, एक पॉइंट और मैंने बताया आपको, आर इज इक्वल टू जीरो. देखो मैंने इज इक्वल टू जीरो लिखा है, अगर आर अप्रोचेस टू जीरो होता है तब आप अनडिफाइंड नहीं कहोगे, यानी डिस्टेंस को हमने कम किया तब आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है. ठीक है, अगर अप्रोचेस टू जीरो है तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन यहां मैंने लिखा आर इज इक्वल टू जीरो, यानी वो लोकेशन वही पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो जहां पर सोर्स चार्ज रखा गया है, यानी ओ पॉइंट है यहां सोर्स चार्ज रखा और यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो क्या होगा, तब ई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड. तो ये क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नोट कर लो ये स्टूडेंट्स. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी हमने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया था. अब हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो सिंपल सा ये क्वेश्चन टॉपिक, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था, वहां पे हमने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बाय इंडिविजिबल चार्जेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट दैट पॉइंट. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, सभी एक एक की वजह से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और उन सबका क्या करते हैं, वेक्टर सम कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. और ऑलरेडी हमें क्या पता है, ई इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज, ऑलरेडी पता है. जब हम फोर्स का
वेक्टर सम ले रहे हैं, इनविजिबल फोर्सेस का वेक्टर सम ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब हमें ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनविजिबल चार्जेस की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, देन देयर वेक्टर सम, तब उसके बाद क्या करना है आपको उसका वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सपोज करो किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो आप, इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंडिविजिबल पॉइंट चार्जेस की वजह से जो उस पॉइंट पे एक्ट किए उन सबका आपने क्या लेना है, वेक्टर सम, उनका हमें क्या लेना है, वेक्टर सम। तो सिंपल, इसके बाद क्या आएगा, ये हमने क्या कैलकुलेट किया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या होगा, के क्यू वन आर वन स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, के क्यू टू आर टू स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, प्लस के क्यू थ्री आर थ्री स्क्वायर आर थ्री यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फॉर द nth पॉइंट चार्ज आर एन स्क्वायर आर एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना आया है, पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज यानी जैसे हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था, क्वांटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्रीट फॉर्म में, है ना, यानी डिस्क्रीट में भी आप ये कह सकते हो जो सेपरेटली अलग अलग पॉइंट चार्ज लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो ठीक है बेटा वो करते हैं, पहले इतना ही नोट करो। यस स्टूडेंट्स, एज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले पढ़ा पॉइंट चार्जेस, कूलम्स लॉ किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा, उसमें जब भी एक्सप्रेशन ड्राइव किया या फोर्स कैलकुलेट किया हमने क्या कंसिडर किया था, पॉइंट चार्ज। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब क्या है, किसी कहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे हम इस चीज को, इसके लिए मैंने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर किया, ठीक है। अब इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, सपोज करो ये सारा क्या है, चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको दूर से देखूं तो ये एक ऑब्जेक्ट है सिंपल, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी अगर कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूसली एक साथ दिखाई देंगे, है ना, एक चीज दिखाई देगी। बट अगर मुझे इसको अलग अलग देखना है, सेपरेटली देखना है, यानी जूम करके देखना है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट वो जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, नेक आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको जूम करना पड़ा, जूम करेंगे तो क्या होगा, सेपरेटली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सभी चार्जेस को अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखेंगे तो सारा क्या होगा, एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। या फिर इसके लिए आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज करो ये कोई लेन है या फिर रोड है, इसमें गाड़ी खड़ी हुई है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर सीक्वेंस में, ठीक है। तो मैंने ये पास से देखा तो क्या नोट किया कि पांच पांच गाड़ी खड़ी हुई है, पांच रो में और पांच कॉलम में, ठीक है।
पास से देखा तो अलग अलग दिखेंगे, मुझे सभी गाड़ी अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, यानी थोड़ा दूर हो गई, काफी दूर और हो गए हम, या फिर आप कह सकते हो बहुत दूर से हम देखते हैं, तो ये सारा क्या होगा, एक साथ दिखाई देगा हमें। तो इसका मतलब क्या है कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जब कंसीडर करोगे किसी चीज को, सेपरेट करके देखोगे, वो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज, जैसे हमने पहले कंसीडर किया। अब क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने से पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये कूलम्स लॉ में नहीं करवाया था टॉपिक, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें फोर्स तो कैलकुलेट करना ही है, तो दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैन स्टार्ट। इसके लिए कुछ टर्म्स है, देखो हमारे पास फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी की बजाय हम करते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज बाय डायमेंशन, यानी किसी पर्टिकुलर डायमेंशन पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो हमारे पास तीन बनते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई रोड है, ठीक है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो किसके अलोंग है ये, लेंथ के अलोंग है, लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं इसको हम लैम्डा, किसे डिनोट करते हैं लैम्डा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यानी क्यू बाय, अगर मान लो इस कंप्लीट रोड पर चार्ज है क्यू और इसकी लेंथ है एल, तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय एल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस चीज को कैसे समझोगे, देखो एक होता है सर्कल, एक होता है स्फीयर। मैंने किसी बच्चे को कहा सिंपल सा कि ड्रॉ करने के लिए पेज पे, तो वो एक अर्थ का डायग्राम, ठीक है, वो अर्थ ऐसे बनाएगा, तो ये तो क्या है, सर्कल की फॉर्म में उसने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मीन्स 2D। लेकिन अगर हमें उसको कंप्लीट डेप्थ के साथ, यानी वॉल्यूमेट्रिक या 3D में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ग्लोब लाके उस दिखाया हमने, यानी उसमें सभी डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो, हम यहाँ पे 1D, 2D और 3D तीनों ले रहे हैं। 1D में क्या हुआ, अलोंग वन डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2D में क्या हुआ, दो डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3D में तीन में हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया सर्कल, इसमें लाइन लिया, सर्कल स्फीयर ये ले सकते हो आप। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। ठीक है, यानी चार्ज बाय एरिया, जो भी सरफेस होगा उसका हम क्या करेंगे, एरिया कंसीडर करेंगे। देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से, तो किसके इक्वल आएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बाय वी। यूनिट की बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या बनेगी, चार्ज की होती है कूलम, लेंथ की होती है मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज की होती है कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास आई कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तीन हमारे पास टर्म होंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
or you can say electric field strength due to continuous charge distribution. हम electric field strength calculate कर लेते हैं, force automatically उसके अंदर होगा, वो आप अपने आप करोगे topic, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो दोबारा clear कर दूंगी. Clear है? हाँ जी. अब हमारे पास आया next topic. Electric field intensity due to continuous charge distribution. तीन केस बनते हैं हमारे. सपोज करो फर्स्ट हम कर रहे हैं किसी रोड के लिए, ठीक है? मान लो ये कोई रोड है, ये कोई रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेंथ है एल, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, ठीक. इसकी वजह से सपोज करो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. मान लो ये कितने डिस्टेंस पे है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अभी मान लेते हैं. तो देखो कंप्लीट के लिए तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेंगे उसका स्मॉल एलिमेंट. जो ये स्मॉल एलिमेंट लेंगे, मैंने माना है इसके ऊपर चार्ज कितना है डी क्यू, लेंथ इसकी कितनी है डी एल. तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, टेस्ट चार्ज लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में. मान लो ये किस डिस्टेंस पे है, आर पे, तो फोर्स क्या होगा इसमें, स्मॉल फोर्स, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं. तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे ये क्यू वन कितना है डी क्यू, क्यू टू कितना है क्यू नोट, यहाँ पे जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है. तो हमारे पास क्या आएगा, के डी क्यू क्यू नोट बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या हुआ मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लगा देंगे हम, यूनिट वेक्टर. तो हमारे पास ये आया फोर्स, ठीक है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये तो फोर्स हो गया सिंपल, अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स के डी क्यू क्यू नोट बाय आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर बाय क्यू नोट. क्यू नोट क्यू नोट कैंसल, तो डी ई हमारे पास कितना आया, के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है वो तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, मुझे क्या करना है कंप्लीट की वजह से कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू एल, ठीक है. तो क्या होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वेयर आर यूनिट. अब सपोज करो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो किसके इक्वल होती है वो डी क्यू बाय डी एल. तो यहां से चार्ज कितना आया लैम्डा डी एल, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, कितना आएगा जीरो टू एल के लैम्डा डी एल आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. कॉन्स्टेंट बाहर ले लो क्योंकि कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया जाता है. तो अंदर क्या बचा, जीरो टू एल लैम्डा डी एल आर यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन भी यही आर यूनिट वेक्टर आप बाहर ले सकते हो, ठीक है. तो ये इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तब आपको क्लियर होगा कि इंटीग्रेट करके भी कैसे होगा, ठीक है. तो ये तो किसके लिए हुआ, फॉर रोड, और ये कह सकते हो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, ठीक है. लीनियरली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलेट किया. अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. ये नोट कर लिया, चलो जी अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
to surface charge distribution. ये कोई सरफेस है पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने इस पॉइंट पे फाइंड करना है. एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसके ऊपर चार्ज कितना है dq, सरफेस एरिया ds. ठीक है तो इस यहां से किस पॉइंट पे है किस डिस्टेंस पे है r के पॉइंट पे जहां पे s चार्ज रखा गया है. डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की आउटवर्ड. तो जब फोर्स की आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या होगी आउटवर्ड. तो सिंपल स्मॉल एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करना है. फोर्स कैलकुलेट करो k dq q नॉट बाय r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सिमिलरली लास्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था सेम है सिर्फ लेंथ की जगह क्या आया है एरिया. R unit vector by R square by Q naught. Q naught, Q naught cancel. It becomes K dQ R square R unit vector. dQ क्या होगा? ये क्या है? Surface charge density. That means sigma is equal to dQ by dS. तो dQ हमारे पास कितना आ जाएगा? Sigma dS. Put the value of charge, small charge distributed on small element. तो डीई हमारे पास कितना आएगा के सिग्मा डी एस आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर. तो कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे ई कितना आ जाएगा. कंप्लीट एरिया लेंगे हम के कांस्टेंट क्वांटिटी है बाय आर स्क्वायर. यहां पर क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है सरफेस के अलाउंड हम इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट. क्लियर है? बहुत इजी है कोई इसमें टफ नहीं है. सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने चार्ज को अलोंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूट किया था. सरफेस चार्ज डेंसिटी में अलोंग द सरफेस किया है. अब हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसी में कर देते हैं. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या होगा? वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा था हम क्या करते हैं कोई क्यूब कंसिडर कर लेते हैं. इसके ऊपर कोई सरफेस के ऊपर सॉरी वॉल्यूमेट्रिकली चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट है यानी अलोंग लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ. यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है. सिंपल हम क्या करेंगे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे. डिस्टेंस कितने हैं आर. पी पॉइंट पे रखा टेस्ट चार्ज. पोजीशन सॉरी डायरेक्शन आउटवर्ड. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो एक्टिंग आउटवर्ड. तो हमारे पास फोर्स कितना आया सेम क्योंकि जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया सपोज करो उसके ऊपर चार्ज कितना है dq along dv. ठीक है हमारे पास फोर्स ही आया इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज ये बन गया. बट फर्क कितना आएगा यहाँ पे आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है dq बाय dv. तो कितना आएगा dq हमारे पास रो dv. तो हमारे पास यहाँ क्या पुट करेंगे हम रो डी वी. तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसके अलोंग करेंगे अलोंग वॉल्यूम. तो ये हमारे पास था फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको. तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था. ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में. ठीक है डायपोल भी कंसीडर करेंगे हम. डायपोल के एक्सेस को भी फाइंड करेंगे उसके परपेंडिकुलरली भी फाइंड करेंगे. लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है ओके इसको साथ साथ करते रहना बेटा. एनसीईआरटी साथ में जरूर रीड करना उसके न्यूमेरिकल्स जरूर करना. ठीक है थैंक यू.